हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड ये क्लास है आपकी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के मैथ्स के सिलेबस इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स में आपका जो सिलेबस है, यानी कि जो बुक होंगी मैथ्स की, वो कितनी बुक्स होंगी, कौन कौन से यूनिट्स होंगी, किन किन को हम कवर करेंगे दी। फिर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी प्रॉपर वे से कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल यानी कि हम कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और वो आपको आज की वीडियो में ही पता चल जाएगा कि हम कौन से बुक स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, कैसे है। तो पूरी वीडियो पहले डिटेल में देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपना कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज की। मेनली यहाँ पे जो सिलेबस चलता है वो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का चलता है। बाकी सभी स्टूडेंट जो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, एक बार अपना सिलेबस जो है वो मैच कर लीजिएगा, बिकॉज सभी यूनिवर्सिटी का 70-80% सिलेबस सेम होता है, 20-25% सिलेबस ऐसा होता है जो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक बार सिलेबस मैच आउट कर लेना कि आपका कितना सिलेबस मैच कर रहा है, कितना नहीं। इस बार पहले पेपर्स की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्या हुआ कि आपने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें, तो उसमें आपके पास में तीन सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर अनदर किन्हीं भी तीन सब्जेक्ट का पेयर होता था के पास में। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर में आपको जो मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे, वो ओनली आपको टू मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप फिजिक्स और मैथ चूज कर रहे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री ले रहे हो, या केमिस्ट्री और मैथ्स ले रहे हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है, जो कि आप बार बार कमेंट्स कर रहे हो कि दी मैथ्स के साथ में क्या हम केमिस्ट्री ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करेगा किस बात के ऊपर कि आप जो इन फ्यूचर आप क्या अपना मतलब जो स्ट्रीम है आप वो क्या रखना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगी, जिसमें कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैथ्स के साथ फिजिक्स लेते हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर आप मैथ्स के साथ में केमिस्ट्री ले रहे हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो वो सब हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो चाहिएगी काफी ज्यादा लेंथी। सिर्फ अपना आज का जो मेन फोकस है वो है हमारा मैथ्स का। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इस बार क्या होंगे, दो पेपर होंगे। फर्स्ट ईयर था और जो सेकंड ईयर था, उसमें आपके कितने पेपर्स हो रहे थे, एक सब्जेक्ट का एक पेपर। लेकिन इस बार क्या होगा, दो मेजर सब्जेक्ट है, और जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसके दो दो पेपर्स होंगे। तो हम मैथ्स का डिस्कस करें तो मैथ्स में भी कितने पेपर होंगे, दो पेपर होंगे। दो पेपर में यानी कि एक बुक अलग एक बुक अलग, इनमें से भी इनके चार पार्ट है। चार पार्ट कैसे, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें टू बुक्स आएंगी, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी कितनी आएंगी, टू बुक्स आएंगी, ठीक है। अब जो फर्स्ट पेपर है ये तो आपका कंपलसरी है, सभी के पास में एक ही बुक रहने वाली है, कौन सी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। यानी कि जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर जो दो बुक्स आएंगी, उनमें से फर्स्ट कौन सी होगी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की, और सेकेंड जो बुक होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा। उसी के साथ में अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें, तो सेकंड पेपर में आपको चॉइस करनी, यानी कि सेकंड पेपर में आपकी चॉइस, आपको तीन पेयर्स दिए हुए हैं। नंबर एक है नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी, सेकंड है ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड थर्ड पेयर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इन तीनों में से आपको कोई एक पेयर चूज करना है। तो जो सेकेंड पेपर है उसका बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात कर देते हैं बच्चा फर्स्ट पेपर की, जिसमें आपके टू पार्ट होंगे, यानी कि दो बुक्स आएंगी। फर्स्ट बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, एंड सेकेंड बुक है लीनियर अलजेब्रा। जो हम स्टार्ट करेंगे पहले, वो हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा दी। हमने तो आपसे ये बोला था कि लीनियर अलजेब्रा बाद में पढ़ाना, पहले जो सेकंड पेपर है उसका कोई भी एक पेयर स्टार्ट करना। तो देखो बच्चा, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ना ही तो अभी तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी बुक अभी आई है जिसको मैं परचेज कर लूं। मैथ्स है ये, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि टॉपिक्स पता चल गए और मैंने आपको करा दिए तो वो ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स से पता नहीं चलता कितनी एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इन्होंने कट कर दिए हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें क्वेश्चन रिड्यूस ही करके दिए हुए हैं, ज्यादा सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया हुआ। तो अभी सिर्फ जितना कंटेंट हमारे पास में है जो कि हमें पुरानी बुक से मिल रहा है, हम सिर्फ उसी को फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो उस केस में हो सकता है कि हम
एक्स्ट्रा पढ़ ले लेकिन वो एग्जाम में ना आए और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा उस चक्कर में, ठीक है। तो अभी इतने जब तक किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक नहीं आ जाती है तब तक जो बुक हमारे पास में है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें से जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है, ये आपको जो इससे पहले एनईपी से पहले जो आपकी बीएससी होती थी उसमें थर्ड ईयर में एक बुक थी लीनियर अलजेब्रा वाली, वो अगर आप किसी भी स्टूडेंट की ले लोगे तो जो क्लासेस में आपको कराया जाएगा वो आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर में एक मतलब तीन बुक होती थी पहले पर सब्जेक्ट की, तो थर्ड ईयर में एक बुक थी लीनियर अलजेब्रा वाली, उसको ले लेना। अगर कोई भी पुराने स्टूडेंट आपका भाई या बहन या किसी को भी आप जानते हो, वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। तो इतने कोई भी नई बुक नहीं आती है जब तक, इतने हम ये कवर करेंगे। नई बुक के आते ही हम अपनी आगे का जो लेक्चर है, यानी कि ये वाली जो दोनों बुक्स है ये तो हो ही जाएंगे आपके, एटलीस्ट इतने न्यू बुक आएगी चाहे वो ग्रुप और रिंग थ्योरी की आए या सेकंड पेपर में से कोई सी भी बुक आ जाए, इतने आपका ये हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिससे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी ना आए, क्योंकि हो सकता है बच्चे आपके एग्जाम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वन मंथ हो गया फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हुए हुए, ठीक है। तो फिफ्थ के भी आपके जल्दी होंगे, जितना कवर हो जाए एटलीस्ट उतना तो हम कवर करेंगे अपनी साइड से। तो बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। देखो जिसका नहीं पता उसका कुछ नहीं पता, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और बाकी जो सेकंड पेपर है इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हैं, तो जो पीडीएफ है सिलेबस की वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दी है और टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, वहां पे भी प्रोवाइड करा दी है, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। अपने सिलेबस से ये वाला सिलेबस मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा क्योंकि इसी को ही हम कल से क्या है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बच्चे आपके टोटल जो है 4 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट यूनिट है आपकी वेक्टर स्पेसेस, जिसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे वेक्टर स्पेसेस एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, सब स्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन, डायरेक्ट सम, क्वोशेंट स्पेस, ये होगा किसके अंदर, वेक्टर स्पेसेस के अंदर। सेकेंड यूनिट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर टॉपिक्स होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, The algebra of linear transformations, range and null space of a linear transformation. थर्ड जो यूनिट है, देखो पहले जो बुक थी जो आपकी थर्ड ईयर वाली आप बुक लोगे ना उसमें जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर ही ये यहाँ तक जितना जो इसमें इस बार हमारा सेकंड और थर्ड यूनिट में दिया हुआ है ना एनईपी के अकॉर्डिंग, ये सारी एक ही यूनिट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो थर्ड यूनिट के अंदर आपके टॉपिक आएंगे रैंक एंड नलिटी थ्योरम, देयर रिप्रेजेंटेशन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, चेंजेस ऑफ बेसिस, ठीक है। लास्ट है फोर्थ यूनिट जो कि होगी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, इसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो होगा इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड नॉर्म्स, कोचीज, स्वाच इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसिस, बेसिस इनइक्वालिटीज, फोर डायमेंशनल स्पेसेस एंड ग्राउंड सिमेज ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपकी चार यूनिट्स होंगी, ये आपको कंप्लीट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा वाली बुक में मिल जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर की में, अगर आपके पास में है तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको मैं आपको बाद में कट करा दूंगी जब आपको बुक की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराऊंगी न्यू बुक की। इतने आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो रहने दीजिएगा, जितना आपको करा दिया जाएगा क्लास में उतना सफिशियंट होगा, ठीक है। एक बार पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो इन्हीं में से ही स्टार्ट करेंगे एक यूनिट, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो इनके आपके तीन पार्ट दिए हुए इस बार जिनमें से आपको चूज करना है। फर्स्ट है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, सेकेंड है ग्राफ एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और थर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। पहले इसको डिटेल में समझिए कौन सा इजी रहेगा कौन सा टफ रहेगा, किसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ सकते हैं और किसमें आपको इंटरेस्ट कम आएगा, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी की। इसमें मुझे जो फर्स्ट वाला पार्ट है नंबर थ्योरी ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे ये इजी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है गेम थ्योरी वाला, इसमें आपको थोड़ी सी
कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा। नंबर थ्योरी का कुछ पार्ट आपने पढ़ लिया है तो आपको इजी लगेगा, बट गेम थ्योरी जो है इसके अंदर जो टर्म्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो आपने पहले नहीं पढ़े हुए होंगे, ये बिल्कुल आपके लिए एक नया होगा। एंड इसमें अगर बात करें तो पोर्शन मैथमेटिकली कम होगा इन कंपैरिजन टू थ्योरी, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए आपकी मर्जी, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट बाद में बात करूंगी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है पढ़ने के लिए। फिर सेकंड है ग्राफ एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये जो बुक होगी ये आपकी टोटली डिफरेंट बुक होगी जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। इसके अंदर आपका ग्राफ वगैरह आएगा और मैथमेटिक्स यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी जो भी टॉपिक्स होंगे वो ऐसे होंगे जो कि आप पहले नहीं पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, आप इसको ऐसी बुक मान करके चल सकते हो जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी अलजेब्रा वाली बुक, उसमें जितनी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुई थी ना उतनी ही कंफ्यूजन आपको इस वाली बुक के अंदर भी क्रिएट होगी, ठीक है। एंड लास्ट आता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ये वाली जो बुक है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसको लेते हो, बहुत ही बेहतरीन। इसमें आपका पढ़ने वाला कंटेंट भी होगा, समझने वाला भी होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग बुक है ये आपकी, यानी कि दो पेपर जो आपका सेकंड पेपर, इसमें भी दो बुक्स होंगी ना, तो एक बुक होगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री और सेकंड बुक होगी टेंसर एनालिसिस की। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो अगर आप लेना चाहते हो कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा जो कि आपको समझ में आ जाए और जिसको हम चैनल पे भी पढ़ने वाले हैं, वो आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। इसमें जो टर्म्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और अगर कुछ नए भी जो टॉपिक्स है ना उनको भी बहुत इजी वे में समझेंगे जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ये दोनों बुक ऐसी है जिसको आप अपने आप भी एक टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं रहेगा समझाने वाला पढ़ने वाला, लेकिन जो ये वाली बुक है इससे आपको ज्यादा नॉलेज भी गेन होगी, इनकेस अगर आप एमएससी वगैरह भी करोगे वहां पे भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये वाला, यानी कि जो थर्ड पार्ट है ये वाला स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर के लिए, बाकी आपकी मर्जी, आप इन तीनों में से कोई सा भी जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी, टाइमिंग आपको पता ही है, फिफ्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास मैंने आपको टाइम बता दिया था बच्चा 8 PM पर होगी। एक बार दोबारा से अपनी टाइमिंग सुन लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है। फिफ्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास आपको मिलेगी 6 PM पे, मार्कर ने चलना बंद कर दिया, साथ छोड़ दिया। जो फिजिक्स की क्लास होंगी वो कब मिलेंगी आपको, 6 PM पे। केमिस्ट्री की क्लास आपको मिलेंगी 7 PM पे और मैथ्स की क्लास आपको मिलेंगी बच्चा 8 PM पे। जुलाई में तो आपकी क्लासेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, पूरी कंप्लीट जुलाई जो टाइमिंग्स आपको बता दी यही रहेंगी, क्लास इंक्रीज नहीं होगी। अगस्त में, जुलाई के बाद में देखते हैं, इतने आपकी बुक्स भी आ जाएंगी जो न्यू बुक्स आनी है जिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गए, एटलीस्ट वहां पर भी आ जाएंगी और ऑनलाइन भी हो सकता है अवेलेबल हो जाए, तो तब देखेंगे। तो अगस्त से जो भी क्लासेस आपकी इंक्रीज होगी मैथ्स की वो मैं आपको बता दूंगी क्या टाइमिंग रहेगी और कैसे रहेगी, ठीक है। बाकी फिलहाल कल से स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा, 8 PM पे क्लास मिलेगी, क्लासेस बच्चा लाइव नहीं चलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास आपको मिलेगी कितने बजे, 6 PM पे, वो भी कल ही मिलेगी। और हाँ, जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा बच्चा 15 से, ठीक है। तो एक चीज का और, अगर आप कोई भी पेयर ले रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से चूज करिएगा, आज या कल में ही आपको सेकंड जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ कि वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो, तो आप कौन सा पेयर चूज करें, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपके माइंड से हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल पाए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके, हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि अच्छे से आपको पढ़ना है और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है भाई, जल्दी से फैमिली को थोड़ा बहुत तो बड़ा बनाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं पढ़ना ही नहीं चाहते, देख कर ही गायब हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।